हे एवरीवन, दिस इज अनुरानी और आज हम करने वाले हैं 20 अगस्त का न्यूज़पेपर इंडियन एक्सप्रेस। सो फर्स्ट आर्टिकल पे बढ़ते हैं। गवर्नमेंट अनवेल्स ग्रीन हाइड्रोजन स्टैंडर्ड, सेट एमिशन थ्रेशोल्ड फॉर प्रोडक्शन। तो गवर्नमेंट ने कुछ स्टैंडर्ड्स का स्तर लेवल अप किया है कि आपको जब आप ग्रीन हाउस बना रहे हैं तो कितना कार्बन का एमिशन होना चाहिए। अब ये किस एमिशन के बारे में बात कर रहे हैं हम, एमिशन फॉर कार्बन यानी कि CO2। अभी पहले हम एक बार ग्रीन हाइड्रोजन को समझ लेते हैं। व्हाट इज ग्रीन हाइड्रोजन? ग्रीन हाइड्रोजन की जब हम बात करते हैं तो इंडिया इज वन ऑफ द कंट्रीज जिसने ग्रीन हाइड्रोजन को अच्छे से डिफाइन किया है, अच्छे से बताया है। और ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में इंडिया बताता है कि जब भी आपको 1 kg ग्रीन हाइड्रोजन निकालना हो या बनाना हो, उसके लिए अगर आप 2 kg या उससे कम, दिस इज द यू नो साइन ऑफ डिक्रीजिंग वाला, तो उससे कम अगर आप 2 kg या उससे कम कार्बन का इमिशन करते हैं तो आपकी जो हाइड्रोजन आप प्रोड्यूस कर रहे हो दैट कैन बी क्लासिफाइड एज ग्रीन हाइड्रोजन। तो ग्रीन हाइड्रोजन ये है। अब ग्रीन हाइड्रोजन को हम कैसे बना सकते हैं? अगेन, ग्रीन हाइड्रोजन के बनाने के बेसिकली दो तरीके हैं। एक तो आप बना सकते हो उसको प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोसिस, एंड द सेकेंड इज प्रोसेस ऑफ बायो, यानी कि बायो बेस्ड आप उसको कैसे बनाएंगे। तो पहला जो प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोसिस, उसके अंदर क्या करना होता है, आप एक कंटेनर लेते हैं जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइजर। तो दिस वुड बी एक इलेक्ट्रोलाइजर, ये कंटेनर हो सकता है, वट एवर रूम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब इसके अंदर क्या होगा? पानी होगा, ठीक है, देर वुड बी वॉटर। एंड अब इस पानी के अंदर में कुछ मतलब कि मशीनें होंगी और उसका इलेक्ट्रिसिटी वो दे रही होगी पानी के अंदर। दिस कैन बी इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी, दिस इज इलेक्ट्रोलाइजर। नाउ दिस इज वॉटर। अभी ये प्रोसेस जब हम इसके बारे में बात करें तो अब क्या होगा, अब जो ये इलेक्ट्रिसिटी है ना, ये वॉटर के अंदर से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन इन दोनों को अलग अलग कर देगी, डिफरेंट कर देगी कि तो पानी से ऑक्सीजन को अलग निकाल देगी, हाइड्रोजन को अलग निकाल देगी, और ये पूरा का पूरा प्रोसेस क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रोसिस। और इलेक्ट्रोसिस किस चीज में हो रहा है, वो क्या है? इलेक्ट्रोलाइजर। तो ये दो तरीके हैं जिससे हम हाइड्रोजन को प्रोड्यूस कर सकते हैं। सेकंड, इसके बाद हम आगे बढ़े तो हमें समझना चाहिए, आर्टिकल में नहीं दिया गया है बट अकॉर्डिंगली अगर हम किसी चीज को पढ़ रहे हैं तो हमें एक्चुअली इतना तो पता होना चाहिए ना कि हाइड्रोजन इस्तेमाल कहाँ कहाँ कर सकते हैं डेली लाइफ में। सोच लीजिए प्रीलिम्स में कोई क्वेश्चन आ गया, उसमें आपसे स्पेसिफिकली, क्योंकि ये स्टैंडर्ड्स किए हैं और उसमें आपको एक एक्स्ट्रा लाइन ऐड करके दी जाती है, 3 पॉइंट दिए जाते हैं, उसमें से थर्ड लाइन मान लीजिए फर्स्ट स्टेटमेंट इसकी, गवर्नमेंट ने ग्रीन हाइड्रोजन ये 2 kg 1 kg वाला लाइन दे दिया कि अगर आप 1 kg बना रहे हैं तो 2 kg। सेकेंड लाइन दे दिया कि ग्रीन हाइड्रोजन की इंडिया के पास डिफाइंड थोड़ी डेफिनेशन है जो कि ऑलमोस्ट सभी कंट्रीज में नहीं है, और या फिर साइट के बारे में बता दिया, मैं आपको बताऊंगी कि साइट क्या है। और थर्ड आपको ऑप्शन दे दिया कि ग्रीन हाइड्रोजन का यूज किया जाता है इन दिस 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 कैटेगरी। तब आपको हमेशा एटलीस्ट पता होना चाहिए कि ग्रीन हाइड्रोजन यूज कहाँ होता है। तो ग्रीन हाइड्रोजन दो तीन जगह यूज हो सकता है। फर्स्ट, इट इज यूज्ड टू मेक इलेक्ट्रिसिटी। सेकेंडली, इट कैन यूज इन फ्यूल्स। थर्ड, रिफाइनरीज। एंड फोर्थ, क्योंकि ग्रीन एक्चुअली हाइड्रोजन तो होता है ना, वो पीरियोडिक टेबल का सबसे छोटा एटम होता है, एलिमेंट होता है, तो इसीलिए ये बहुत ज्यादा लिफ्टिंग इसके अंदर पावर होती है। तो पहले एक्चुअली, अब तो हीलियम का यूज होने लगा है, लेकिन पहले कभी कभी हाइड्रोजन का यूज होता था फॉर लिफ्टिंग अप द बलून्स। अभी भी कुछ बलून्स में होता होगा फॉर श्योर, बट नाउ इट इज हीलियम के बारे में आपने सुना होगा कि वेन एवर पीपल, इसका गेम भी हो गया कि हीलियम को अपने मुंह में लेते हैं और उसके बाद उनकी आवाज जो है वो चेंज हो जाती है और काइंड ऑफ फनी साउंड करती है। तो ये है। अब हम आगे बढ़ते हैं टॉपिक के ऊपर। इस आर्टिकल में एक्चुअली क्या बताया गया, आर्टिकल के अंदर बताया गया है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी है उसने ये बताया है कि नोटिफाई किया है कि स्टैंडर्ड क्या होंगे इंडिया के अंदर अगर आप ग्रीन हाइड्रोजन की खुद को सर्टिफिकेट देना चाहते हैं तो उन्होंने बता दिया कि 2 kg कार्बन डाइऑक्साइड से ज्यादा नहीं इमिश करना चाहिए, तब जाके आप अगर 1 kg हाइड्रोजन बना रहे तो आपको वेल टू गेट एमिशन के अंदर आपको ग्रीन हाइड्रोजन का सर्टिफिकेट मिलेगा कि ठीक है, ये हाइड्रोजन जो है वो ग्रीन है। और हमें ये समझ में आना चाहिए कि ग्रीन, ब्लू, रेड, ये जब हम किसी चीज के आगे लगाते हैं तो उसका मतलब क्या होता है। ब्लू इज द प्योरेस्ट फॉर्म, ग्रीन ठीक है सेकेंडरी की बहुत अच्छा है, रेड का मतलब कि अलर्ट एरिया आ गया, जैसे यमुना में अगर बाढ़ आई थी अभी तो, या फिर फ्लड्स आ रही हैं तो उसमें रेड अलर्ट जाता है, समझ रहे हो? तो ये टैग होते हैं। और खैर आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट इसमें की दो इसके अंदर एक्चुअली जो है दो प्रोजेक्ट्स इंडिया लेके चल रहा है. द फर्स्ट वन इज दिस साइट प्रोजेक्ट, जिसका मतलब है, जिसकी डेफिनेशन है द स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशन फॉर ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन. ये इसका पूरी की पूरी फुल फॉर्म होगी. और इसके अंदर हम क्या करेंगे, इंडिया ने एक्चुअली 19,744 करोड़ रुपए दिए हैं 2029 से 2030 तक, जिसके अंदर हमें इंडिया को 2030 तक लगभग 125 गीगावाइट एनर्जी कैपेसिटी जो है वो ग्रीन हाइड्रोजन से या फिर रिन्यूएबल एनर्जी होनी चाहिए, कि जिसको हम बार 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 बना सके, ना कि फ्यूल से. फ्यूल क्या होता है, फ्यूल हमें बेसिकली मिलता है कोयले से, पेट्रोलियम से. ये सब जो चीजें होती हैं ये हमें अंडरग्राउंड यानी कि जमीन के अंदर से खोद के निकालनी पड़ती है. और ये बनी कहाँ पे, वैसे कैसे बनी है, ये ड्यू टू जो जियोग्राफिकल या जियोलॉजिकल प्रोसेस होता है इन चीजों का बनने का, कि कुछ चीजें हुई वो जमीन के अंदर गई, वहां पे दबी रह गई, उनका रिफॉर्मेशन और फॉर्मेशन हुआ, तब वो जाके वो टाइट हो गई. उसमें प्लांट्स भी आते हैं, ह्यूमंस भी आते हैं, क्रिएचर, हर चीजें आती है. और वो फॉर्मेंट हार्ड होने के बाद उसको, इस प्रोसेस को एक्चुअली बनने में करोड़ों सालों का समय लगता है. और करोड़ों इन द सेंस 10-20 करोड़ नहीं, बल्कि हजारों करोड़ का फॉर्मेशन टाइम. अगर हम इस चीज को यूज कर लेंगे तो हमारे पास अदर अल्टरनेटिव चीज नहीं है, इसीलिए हमें इसके ऊपर सेकेंड और थर्डली, क्योंकि जब ये बनती है ना, कोई भी फ्यूल बनता है, कोयला बनता है, जो भी हम बना रहे हैं, पेट्रोलियम निकालते हैं वहां से, तो इसके अंदर ये तभी बनती है जब इसके अंदर कार्बन फंस जाती है. जब भी कहीं पे कार्बन फंसेगी तो वो एज अ फ्यूल का ऐसा ट्रैप हो जाती है, क्योंकि कार्बन का खुद का एक साइकिल होता है, राइट? वो बनती है, फिर चल जाती है, फिर चली जाती है, फिर वापस से बनती है, ऐसा जियोलॉजिकल साइकिल होता है. और जब वो कहीं पे जमीन के अंदर ट्रैप रह जाती है, तो वो लाखों सालों तक, करोड़ों सालों तक, करोड़ों हजारों सालों तक वहां पर ट्रैप रहती है, जब तक उसको निकाला ना चाहिए. अब अगर हम कोयले को जला रहे हैं निकाल के, तो अब वो क्या होगा, जो उसके अंदर जो कार्बन एक्चुअली में ट्रैप थी वो निकल जाएगी, राइट? तो ये पोल्यूशन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है, कि इससे कार्बन का बहुत ज्यादा इमिशन होता है, और कार्बन की वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है. तो इसीलिए हम ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं. नेक्स्ट आर्टिकल, आईटी डिपार्टमेंट नोटिफाई चेंजेस इन रूल्स वैल्यूइंग फ्री स्टे. एक्चुअली ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है यूपीएससी परस्पेक्टिव से, बट इसमें मोटा मोटा यही दिया गया है कि दो तीन चीजें हम देख लेते हैं. एक तो आईटी डिपार्टमेंट आता किसके अंडर में है, सॉरी गिव मी 1 मिनट. आईटी डिपार्टमेंट आता है इसके द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस CBDT, एंड एक ऑल्सो देर इज अ बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस. इनडायरेक्ट टैक्सेस पहले होता था, लेकिन अब उसका नाम बदल के GST कर दिया गया है, गुड एंड सर्विसेज टैक्स. और जो डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं ये इनकम टैक्स के अंदर आते हैं, तो ये एक्चुअली में इसी के अंदर आता है. इन्होंने कुछ बताया है कि पहले जो लोग रहते थे जिनके ऊपर टैक्स लगता था, मान लीजिए आप एक काम करने वाले कर्मचारी हैं और आपके जो इम्प्लॉयर हैं जिन्होंने आपको काम दिया है, वो आपको साथ में रहने के लिए फ्री अकोमोडेशन घर भी देते थे, तो जो वो घर होता था सैलरी के अकॉर्डिंग जो रेंट होता था उसके ऊपर इनकम टैक्स कुछ टैक्स लेता था. यानी कि पहले था, जैसे अगर आप ये पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग डिपेंड करता था, आप एक ऐसे शहर में रह रहे हैं जहाँ की पॉपुलेशन 25 लाख से ज्यादा है, तो आप पे 15% ऑफ टैक्स लिया जाएगा. अगर आप 10 से 25 लाख में रहते हैं तो आपसे 10% लिया जाएगा. एंड अगर आप 10 लाख से कम की पॉपुलेशन वाली उसमें रहते हैं तो 7.5 था. अब इसको चेंज करके 10 लाख की पॉपुलेशन यानी जनसंख्या वाले एरिया में 5% कर दिया गया है. 15 लाख से 40 लाख वाले जनसंख्या वाले क्षेत्र के अंदर इसको 7.50% कर दिया गया है, और जिनकी 40 लाख से ज्यादा उस पर 10% कर दिया गया है. इसका इम्पोर्टेंस इससे ज्यादा कुछ हमारे लिए एज अ एग्जाम परस्पेक्टिव से बहुत ज्यादा नहीं है. बस यही दो चीजें याद रख लीजिएगा कि आईटी डिपार्टमेंट आता है द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस का नाम जो कि चेंज हुआ है, बट इनडायरेक्ट टैक्सेस वो हैं क्योंकि हम उसको डायरेक्टली नहीं देते. जीएसटी आप देते हो, आपने एक शर्ट खरीदी या वट एवर आपने कोई भी प्रोडक्ट खरीदा, तो वो ऑलरेडी उसके अंदर इंक्लूडेड होता है. आपको बताया भी नहीं जाएगा शायद आपको, मतलब वैसे तो होगा, बट अब आप किसी छोटे शहर के किसी छोटी दुकान से कुछ खरीद रहे हैं, शर्ट या वट एवर, तो उसको और आप तक ये बताना कि देखिए मैं आपसे इतना जीएसटी ले रहा हूँ, दैट इज नॉट पॉसिबल. आपको शायद पता भी ना चले कि मुझसे जीएसटी ले लिया गया है 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, 30 रुपए, अकॉर्डिंग टू जो भी आपका प्रोडक्ट है, 28% या 7% या 10%, 15%, तो उसका पता नहीं चल रहा. इसलिए वो क्या हो गई, इनडायरेक्ट, कि हमें इनडायरेक्टली उसको दिया, हमने जाके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में उसको नहीं भरवाया अपना, कुछ डिटेल्स नहीं दी, वो जा रहा है साथ साथ, ऐसे हर प्रोडक्ट पे लगता है. नेक्स्ट आर्टिकल, आफ्टर रोबोट टैक्सी सैन फ्रांसिस्को लॉन्चेस ड्राइवरलेस बस. तो पहले एक्चुअली में एक रोबोट टैक्सी आई थी जो कि कैलिफोर्निया में हुई थी, नॉट इन सेंस सैन फ्रांसिस्को.
पहले जो ये रोबोट टैक्सी थी वो कैलिफोर्निया के अंदर, कैलिफोर्निया जो कि एक स्टेट है यूएसए के अंदर, तो उसके अंदर इसको इंट्रोड्यूस किया गया था और वहां पे इसको एक्चुअली मान्यता दे दी गई है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो फिर सैन फ्रांसिस्को जो है उन्होंने भी पहले रोबोट टैक्सी चलाई, अब उन्होंने एक बस को इंट्रोड्यूस कर दिया है। ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रिक व्हीकल होगा, इसके अंदर कोई ड्राइवर सीट नहीं होगी, इसके अंदर ना ही कोई स्टीयरिंग व्हील होगा, इसका एक फिक्स्ड रूट होगा और उसी रूट पे ये जो भी इसका टाइमिंग होगी उसी अकॉर्डिंग चलेगी। और 7 स्टॉप्स वगैरह ये दैट इज इरेलीवेंट, बस हमें ये समझना है कि एक्चुअली में साइंस एंड टेक के अकॉर्डिंग कहाँ पे क्या हो रहा है। तो ये पहली ऐसी स्टेट बन गई है जहाँ पे बस को लॉन्च किया गया है। एक बार लोकेशन अगर हम इसकी देखना चाहें तो व्हाई नॉट, दिस इज यूएसए, नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका यहाँ पे साउथ अमेरिका है, यहाँ पे मेक्सिको है और यहाँ पे हम देखें तो दिस इज सैन फ्रांसिस्को। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल इज क्वाइट इम्पोर्टेंट एक्चुअली, GS1 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। और नेक्स्ट आर्टिकल इज हाउ द भक्ति मूवमेंट फ्लरिश्ड अंडर मुगल्स, की भक्ति मूवमेंट जो है वो कैसे फ्लरिश करता है, कैसे उस पे मतलब कि फूलता फैलता है मुगल्स के अंडर में। तो अभी क्या हुआ है ना, मध्य प्रदेश के अंदर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है उन्होंने एक लिंक बिठाया, उन्होंने सबसे पहले मध्य प्रदेश के अंदर गए हुए थे और उन्होंने वहां पे जाके रविदास जो है भक्ति सेंट जो कि साधु है भक्ति मूवमेंट के अंदर, उसके उनका एक मंदिर बन रहा है वहां पे, उनकी फाउंडेशन उन्होंने गई और वो स्टोन का पूरा टेंपल बनेगा, वो पूरा डेडिकेटेड होगा रविदास जी को। तो ये 14th सेंचुरी के सोशल रिफॉर्मर्स थे, भक्ति साधु थे, भक्ति सेंट थे। और नॉर्थ इंडिया में एक्चुअली भक्ति मूवमेंट बाद में आया, पहले भक्ति मूवमेंट साउथ इंडिया में आ गया था। तो इन्होंने बोला कि नरेंद्र मोदी जी ने कमेंट किया, उन्हीं के अकॉर्डिंग ये ओपिनियन पेज से लिया गया है, तो ये अद्रिजा रॉय चौधरी द्वारा लिखा गया है। इन्होंने बताया, मोदी जी ने बोला है कि बहुत अच्छे से उन्होंने मुकाबला किया मुगल्स के अंदर और वो अपनी जगह पे खड़े रहे, बट इनका थोड़ा व्यू जो है वो थोड़ा कंट्रास्टिंग है। एंड वाई, क्योंकि हम थोड़े से फैक्ट आप इसमें देख लेंगे। द फैक्ट इज कि भक्ति मूवमेंट जो है वो पहले तमिल साउथ में उभरा था, बना था 6th एंड 9th सेंचुरी के अंदर, लेट सल्तनत और मुगल पीरियड्स के अंदर जाते जाते ये नॉर्थ इंडिया तक भी आ गया था और वहां पे आने के बाद मुगल पीरियड्स के अकॉर्डिंगली अब मतलब कि शुरुआत हो चुकी थी। यहाँ पे एक बुक है द जीनियोलॉजी ऑफ डिवोशंस, भक्ति तंत्र योगा एंड सूफिज्म इन नॉर्थ इंडिया, पेटोन बॉडशट जी इन्होंने ये किताब लिखी है 2019 में, और उन्होंने बताया है कि वो जो ये भक्ति मूवमेंट है ना ये बहुत ज्यादा इन्फ्लेक्टेड मतलब कि बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस था वैल्यूज इंस्टीट्यूशन परस्पेक्टिव जो पर्शियन लिटरेरी एंड पॉलिटिकल कल्चर एक तरफ और पर्शियन लिटरेरी जो वहां का लोक साहित्य था पर्शिया का वो उस तरफ, और ये दोनों कुछ ज्यादा ही मिले जुले थे, सूफिज्म और जो भक्ति मूवमेंट है उनके अंदर जो करेक्टरिस्टिक्स थे वो बहुत ज्यादा मिले जुले थे। ऐसा कैसे होता है वो खुद बताते हैं कि पर्शियन जो कल्चर था उस समय पे वो डिपेंड करता था साउथ, 11 लगभग 11वीं सदी की ये बात है, वो थोड़ा थोड़ा इंडिया के अंदर भी आ गया था, क्योंकि हमने कल ही के न्यूज़पेपर में देखा कि कैसे अफगानिस्तान में महमूद ऑफ गजनी आते हैं, फिर उसके बाद मोहम्मद ऑफ गोहर आएंगे, और ऐसे करते करते जो अरब से तुर्क का हमारे इंडिया के अंदर इंटरवेंशन होता है, तो हमारे साथ पर्शियन, और पर्शिया किसको बोला जाता है आज के टाइम पे अगर आप लोगों को नहीं पता है तो पर्शिया वॉज दिस एरिया ऑफ ईरान वाला, जहाँ पे ईरान इराक है मिडल ईस्ट के अंदर, सऊदी अरेबिया के बाद जाएंगे तो वो पूरा का पूरा पर्शियन प्लेटू था, ठीक है, एंशियंट टाइम में उसको बोला जाता था। तो वहां का जो कल्चर था वो इंडिया के अंदर आया। हम लोग कभी से ही पॉलिथिज्म को अपनाते थे, हमारे यहाँ पे बहुत सारे गॉड्स होते थे, और बट ये पर्शियन जो कल्चर है वहां पे मोनोथिज्म को अपनाने लगे थे। और वाई दिस इज, क्योंकि इस्लामिक चेंज हो गया था, वो लोग तो इस्लाम में कन्वर्टेड हो गए थे, तो इस्लाम की पूरी बुनियाद जो है वो मोनोथिज्म यानी कि अल्लाह एक ही भगवान पे डिपेंडेंट है, बट हमारे यहाँ पे पॉलिथिज्म होता था। अभी इसके सेकंड जो इसमें और परिवर्तन आए कि पर्शियन का जो कल्चर था उसके अंदर भगवान को यानी किंग को भगवान के साथ थोड़ा बहुत लाइक डिविनिटी माना जाता था, कि ये तो उन्हीं का बच्चा है, उनका आशीर्वाद इनके ऊपर है, ऐसी ऐसी बातें। ऐसा हमारे एंशंट इंडिया में भी देखने को मिला है, एंशंट इंडिया में भी अशोक को देवान प्रियाय बोला जाता है, जिसका मतलब है देवों का प्रिय है। तो ये अपनी रूल को बहुत थोड़ा सहारा देने के लिए, ताकि लोग ज्यादा रिवोल्ट ना करें, प्रोटेस्ट ना करें, ऐसे ऐसे टर्म्स को यूज किया जाता था पहले से ही। और वो लोग डिवाइन ओरिजिन में विश्वास करते थे, वही चीजें 13वीं से 16वीं शताब्दी में जब वो लोग आते हैं यहाँ पे तो हिंदुस्तान के अंदर
मिल जाती हैं ये सारी चीजें। ऑल्दो ये थोड़ा थोड़ा कंटेक्स्ट हम अभी अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया, अशोक का पहले भी था, बट इस समय पे आके और भी बहुत सारी चीजें आ चुकी थी। जैसे कि इंडिया के अगर अंदर हम देखें तो हम देख सकते हैं चार अग्नि कुलास का कंसेप्ट, ठीक है, फोर अग्नि कुलास। तो ये फोर अग्नि कुलास एक्चुअली में था क्या? अग्नि कुलास, ये चार राजपूत क्लैंस थे। इसको याद करने का इजी एक्रोनियम एक्चुअली मैंने बनाया है, C2P2। अभी आप समझेंगे C2P2 है क्या। तो फर्स्ट सी जो है वो है चौहान्स, सेकंड सी जो है वो डिनोट करता है चालुक्यास, एंड फर्स्ट पी डिनोट करता है प्रमार्स या परमार, आज के अगर हिंदी में बोले तो, जो कि अभी दिल्ली के एरिया में देखा जा सकता है। एंड फोर्थ जो पी है वो करता है प्रतिहाराज या प्रतिहार। ये चार अग्नि कुल्स जो थे ये एक्चुअली में मिडल ईस्ट यानी सेंट्रल एशिया से इंडिया के अंदर आए थे, और सेंट्रल एशिया से आने के बाद ये राजपूत बन गए थे। राजपूत बनने के लिए इन्होंने क्या किया कि ब्राह्मण्स जो थे उस टाइम पे, बौद्धिज्म 6 AD, लगभग 600 शताब्दी ईसा की बात है ये, 6 AD, इस टाइम तक बुद्धिज्म यहाँ पे फ्लोरिश कर रहा था, बट इन्होंने ब्राह्मणिज्म को जाके पेट्रोनोज दिया। और ब्राह्मणिकल, जब ब्राह्मणवाद इसको हिंदी में बोलेंगे, जब ब्राह्मणिकल को इन्होंने पेट्रोनोज दिया, तो उस टाइम पे इन लोगों ने इनके लिए क्या किया कि इन्होंने इनके ओरिजिन को हिंदू गोडेस और गोडेसी से गॉड एंड गॉडेसेस के साथ मिला दिया कि ये लोग तो अग्नि कुल हैं, अग्नि से जन्मे हुए हैं। तो ऐसे ही कंसेप्ट एक्चुअली में पहले होते ही थे। जब आप खुद को आम जनता को अपने खिलाफ नहीं करना चाहते हैं, तो आप रिलीजन को, आप वहां के धर्म को, आप वहां पे चलने वाली चीजों को अपना पेट्रोनोज देते हैं, और तब जाके आप वहां पे असमिलेट कर पाते हैं खुद को। अगर दिल्ली सल्तनत की बात करते हैं तो दिल्ली सल्तनत देख लीजिए, डायनेस्टीज ऑफ दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले शुरुआत होती है अर्लियर तुर्किश रूल जो आता है 1206 से 1290 के अंदर। उसके बाद हम चलते हैं तो खलजी डायनेस्टी आती है, जो कि आती है 1290 से 1320 के अंदर। फिर आती है तुगलक डायनेस्टी 1320 से 1414 के अंदर, सैयद डायनेस्टी 1414 से 1551 तक, और लोधी जो कि लास्ट होती है 1451 से लेके 1526 तक। अब यहाँ पे आके क्या होता है, जो लोधी डायनेस्टी जो थी वो बनाई गई थी एक्चुअली सिकंदर लोधी के द्वारा, एंड इनके जो सन थे उनका नाम था इब्राहिम लोधी। जी सही समझे आप, इब्राहिम सैफ अली खान के बेटे का नाम भी है, बट ये उनसे अलग है। तो इब्राहिम लोधी उनका नाम था, और इनकी फाइट हुई थी जो कि जानी जाती है फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत के बारे में जब भी हम बात करेंगे तो हम ये ध्यान रखेंगे कि ये जो दिल्ली सल्तनत की लास्ट डायनेस्टी थी, उनके जो लास्ट रूलर थे वो थे इब्राहिम लोधी, उनके तथा 1526 के अंदर बाबर के साथ हुई थी। बाबर कौन थे? मुगल रूलर, मतलब तब तक ये रूलर नहीं थे, ये आए थे सेंट्रल एशिया से भागकर। और इनका रिलेशन जो था, बाबर की जो माता थी वो मंगोल से रिश्ता रखती थी। जो मंगोल्स होते थे, मंगोल मतलब अभी तो एरिया है, बट मैं बात कर रही हूँ मंगोलीज, चक्ताई खान या फिर तैमूर की जब हम बात करते हैं, तो बाबर की जो माताजी थी वो मंगोल इस से रिश्ता रखती थी। बाबर आते हैं, बाबर के बाद फिर हमें पता ही है हुमायूं, हुमायूं के बाद एंड ऑल अकबर। तो ये कुछ हिस्ट्री थे। तो जब हम निर्गुणा भक्ति, भक्ति मूवमेंट एक्चुअली में सबको पता ही होगा कि दो भागों में बटा हुआ था। पहला जो भाग है भक्ति मूवमेंट का वो था सगुण भक्ति, और दूसरा जो भाग है उसको बोलते हैं निर्गुण भक्ति। सगुण जो होते हैं वो देवी देवताओं को या फिर आइडल वर्शिप, उनमें ज्यादा भरोसा रखते हैं, और निर्गुण जो होते हैं वो बोलते हैं कि भगवान की कोई शेप या फॉर्म है ही नहीं, आप उनको शेप या फॉर्म दे कैसे सकते हैं। तो एक बहुत जो निर्गुण भक्ति शैंट है उनकी एक्चुअली में एक ये भी होता था कि अगर जानवरों का कोई या घोड़ों का कोई देवता होता तो वो शायद घोड़ों जैसा ही दिखता। तो इनका कहने का मतलब था कि ये हमारी बुद्धि है कि हम उनको कोई शेप दे रहे हैं, उनको अपने जैसा बना रहे हैं, बट जो भगवान होते हैं उनकी तो कोई शेप नहीं होती, वो तो बिना शेप के होते हैं, हम उनको देख नहीं सकते, सोच नहीं सकते, हमारे अंदर इतनी क्षमता ही नहीं है।
ये जो रविदास जी हैं वो निर्गुण भक्ति के थे, और यहाँ से जो हिस्टोरियन है जैसे कि सहाबुद्दीन इराकी या फिर हरबंस मुखिया, ये सब बताते हैं कि उस समय पे एक ऐसा माहौल चल रहा था ना, क्योंकि ये अभी मंगोल्स वगैरह जो थे ये सब आए ही आए थे, और इस समय पे आने के बाद उनको अपनी पॉलिटी को थोड़ा ठीक से रखना था, राइट? तो ठीक से रखने के लिए उनके पास एक ही ऑप्शन था कि वो इन सभी चीजों को अपने अंदर एसिमुलेट करें, इन सब लोगों जो कि सोसाइटी के ऊपर एक पकड़ रखते हैं, ये जो ग्रुप्स होते हैं सूफी धर्म या सेक्ट बोल सकते हैं, सूफिज्म जो था, भक्ति जो थी, वैष्णविज्म, शैविज्म, ब्राह्मणिज्म, इन सबको वो लोग एक्चुअली में अपने साथ रखने चाहते थे। अकबर की जो सुलाहे कुल की पॉलिसी थी उससे भी हम समझ सकते हैं, अकबर का सुलाहे कुल क्या था कि सबके लिए पीस। तो सबके लिए पीस से क्या मतलब है? सबके लिए शांति, और शांति से क्या मतलब है कि ठीक है हम सबकी, सब धर्मों की, सब उनकी रिस्पेक्ट करेंगे। तो यहाँ से भी हमें समझ में आ सकता है ये बातें। तो ये था दिस आर्टिकल। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, मोदी एट G20 मीट वर्क जॉइंटली ऑन साइबर सिक्योरिटी। तो मोदी जी ने अभी G20 मीट के अंदर साइबर सिक्योरिटी के ऊपर बात की है, तो सबसे पहले देख लेते हैं व्हाट इज G20। अगेन कल हमने इसके बारे में बात की थी कि G20 क्या है। ये 20 देशों का ऐसा समूह है, यहाँ पे ऑल अबाउट दिया ही हुआ है, जिसके अंदर लगभग जी नेशंस जो है वो 85% जो वर्ल्ड की इकोनॉमी है वो जी नेशंस के अंदर आती है। 75% वर्ल्ड का जो ट्रेड है वो G20 नेशंस के अंदर आता है। 66% की वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है वो G20 के अंदर आती है। यहाँ पे G20 कंट्रीज हैं। आज मैंने पहले ही अपना जो मैप है वो बनाया हुआ है, मतलब आउटलेट, और हम इसे भरेंगे G20 कंट्रीज के, ऐसे ही हम इनको याद रखेंगे ऑफकोर्स। सो फर्स्ट कंट्री से हम शुरू करते हैं। वी आर इन इंडिया, सो ऑफ कोर्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट इन इंडिया। तो पहली जो कंट्री है वो है इंडिया, सेकंड इज इंडोनेशिया, थर्ड ऑस्ट्रेलिया, फोर्थ चाइना, फिफ्थ रशिया, सिक्स्थ साउथ कोरिया, सेवंथ जापान। तो हमें एक चीज का बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए एक्चुअली, एंड एट्थ एक बार देख लेते हैं, सऊदी अरेबिया। कि एशिया के अंदर जब हम ये ट्रिक्स हैं G20 को याद करने की, कि एशिया के अंदर G20 की 7 कंट्रीज आती हैं, ठीक है? ओके नाउ अगर हम अफ्रीका की बात करें, तो अफ्रीका के अंदर G20 की ओनली 1 कंट्रीज है, दैट इज साउथ अफ्रीका, और ये हमारे नंबर में आ गई। अभी तक हमने 8 कंट्रीज कर लिया, नंबर 9। ऑस्ट्रेलिया सिर्फ एक कंट्री है, ऑफ कोर्स वो कॉन्टिनेंट या कंट्री दोनों भी लगा सकते हैं। अभी हमारे पास 10वें नंबर पे जब हम चलते हैं तो यहाँ पे आता है टर्की या तुर्की हिंदी पे, देन इटली, यूरोप से ही जर्मनी, फ्रांस एंड हेयर हेयर एक्चुअली 14 नंबर यूके। तो एक्चुअली यूरोप से आती है 5 कंट्री, और टर्की का कुछ भाग एशिया में भी आता है। अगर आप उसको एशिया में मानना चाहें तो एशिया में मान सकते हैं, यूरोप में मानना चाहें तो यूरोप में, बट यूरोप में मानने से एक इजी चीज ये हो जाती है कि हमें याद, मतलब ऐसे रखना पड़ता है, क्योंकि अब जब हम अमेरिका देखेंगे वहां पे भी 5 कंट्रीज आती हैं, अगर हम इंडिया की बात करेंगे तो वहां पे भी 5 कंट्रीज आती है, सॉरी इसमें यूरोप में भी 5 कंट्रीज होती हैं, और एशिया में 7 है। एशिया में 7 है तो इसका मतलब क्या है, क्योंकि एशिया वैसे बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट है, सबसे बड़ा तो दुनिया के अंदर, तो उसमें सबसे ज्यादा ही होंगे। नाउ अब हम चलते हैं यहाँ पे, यहाँ पे है नंबर 15 ब्राजील, नंबर 16 अर्जेंटीना, नंबर 17 कनाडा, नंबर 18 यूएसए, नंबर 19 मेक्सिको, नंबर 20 जो है वो यूरोपियन यूनियंस का होता है, उसका कोई अलग से कंट्रीज नहीं है, यूरोपियन यूनियन। एंड जो नंबर स्पेन जो है वो एक परमानेंट गेस्ट है, जब भी इनविटेशन होता है हर साल होता है। इससे पहले अभी हमारे पास हो रही है G20 की प्रेसिडेंसी, इससे पहले जो प्रेसिडेंसी हो रही थी वो इंडोनेशिया के पास थी, ठीक है, इससे पिछले साल। तो हर साल अलग अलग देश जो है वो इसका प्रेसिडेंट बनते हैं और उसको होस्ट करते हैं, और 2023 में हम लोग होस्ट कर रहे हैं, एंड दिस इज ऑल अबाउट G20 for now। तो अभी मोदी जी ने G20 मीट में ये बोला है कि हमें साइबर सिक्योरिटी पे बात करनी चाहिए। इससे पहले लगभग एक महीने पहले जापान ने इसके लिए बोला था कि हमें डिजिटल पब्लिक, और वो पहली कंट्री बन गई थी जिन्होंने ऐसा फ्रेमवर्क इंट्रोड्यूस भी किया है कि हम डिजिटल जो साइबर सिक्योरिटी जो है, और जो डिजिटल AI है, AI के ऊपर, वो सबके लिए सेफ होना चाहिए। तो मोदी जी भी बोल रहे हैं कि G20 को हम लोगों को कमिटमेंट लगेगी, कोऑर्डिनेशन लगेगी, कोलेबोरेशन लगेगा। जो सिक्योरिटी थ्रेट्स है ना, जितने हम आगे बढ़ रहे हैं डिजिटल इकोनॉमी में, उतने ही ज्यादा सिक्योरिटी की थ्रेट्स आ रहे हैं, तो उसके लिए हमें ट्रस्ट करना पड़ेगा, एक ऐसा फ्रेमवर्क हमें निकालना पड़ेगा जो कि
टेक्नोलॉजी बेस्ड हो, प्लस जिसके अंदर सॉल्यूशन कर सके हम जो चैलेंजेस फिलहाल आ रहे हैं ह्यूमैनिटी के अंदर. अगर हम सभी के सभी G20 कंट्रीज इस पे मिलकर काम करेंगे तो ऑफ कोर्स ये चीज आसान होगी, करनी चाहिए हमें, ये जरूरत है. मोदी जी फिर और बताते हैं कि इंडिया के जो ट्रांसफॉर्मेशन है, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, वो अभूतपूर्व है. मतलब लास्ट 9 साल में जो हुआ है, क्योंकि आधार के अंदर अगर हम देखें तो लगभग 1.3 बिलियन, यानी कि 130 करोड़ लोग जो है वो कवर करे जा चुके हैं. 10 बिलियन ट्रांजेक्शन एवरी मंथ, हर महीने यूपीआई सिस्टम के अंदर होता है. 45% जो ग्लोबल की रियल टाइम पेमेंट्स है वो इंडिया के अंदर ही प्लेस करती है. इस पे बोलने के लिए यूनियन आईटी मिनिस्ट्री, अश्विनी वैष्णव जो है आईटी मिनिस्ट्री, चलो इसको भी देख लेते हैं एक बार. आईटी मिनिस्ट्री आती, यानी कि इसकी फुल फॉर्म क्या है, ये होती है मिनिस्ट्री ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो होती है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उसके अंदर होता है आईटी मिनिस्टर. आईटी मिनिस्टर ये खुद बोलते हैं कि हमें एक्चुअली में बहुत ध्यान से, मन से लगा के हम लोगों ने इस पे बात किया है कि जो कंसेप्ट है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का फ्यूचर के अंदर, उसके अंदर उस पर हम काम करेंगे. साइबर सिक्योरिटी के ऊपर हम काम कर रहे हैं ताकि एंटायर वर्ल्ड के अंदर जो प्रॉब्लम्स होने वाली हैं इसके अकॉर्डिंग या हो रही हैं, उनको हम सॉल्व कर सकते हैं सब मिलके. और तीसरा जो मोटिव है फिलहाल जो गवर्नमेंट जिस पे काम कर रही है वो है ग्रोथ की जा सके, जो छोटे छोटे बिजनेसेस हैं उनको डिजिटल इकोनॉमी के अंदर. मोदी जी इसके लिए एक और बात बोलते हैं कि हम सभी को जो G20 कंट्रीज हैं उनको 4 C's पे काम करना चाहिए. पहले सी है कन्वेंशन की हम लोगों को मिलना चाहिए, इसके ऊपर बात करनी चाहिए. दूसरी सी है कमिटमेंट की, हम लोगों को दायित्व निभाना चाहिए, ले लेना चाहिए, जिम्मेवारी ले लेनी चाहिए कि हमें ये काम पूरा करना ही करना है. तीसरी सी है कोऑर्डिनेशन. कोऑर्डिनेशन की जब हम बात करते हैं तो कोऑर्डिनेशन होता है 2 लोगों का या समूह का एक साथ मिलकर कुछ काम को करना. तो कोऑर्डिनेट मिलकर हमें इस काम को करना चाहिए. और कोलाबोरेशन भी होता है कि किसी चीज के साथ मिलकर अच्छे से काम करना. कोऑर्डिनेट में हम ऑर्गेनाइज कह सकते हैं बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन कोऑर्डिनेट एंड कोलैबोरेशन. कोलैबोरेशन यही होगा कि आप मिलके किसी काम को कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन यानी कि आप मिलके किसी चीज को ऑर्गेनाइज कर रहे हो. ऑर्गेनाइज करना, फ्रेमवर्क देना. नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. नेटवर्क ऑफ टेरर इंटरेस्ट, ये अभी आ गया है जो हमारी हेडलाइन है, जो हमारा एक्चुअली दुखद थोड़ा सा समाचार है. तो नेटवर्क ऑफ टेरर इंटरेस्ट विद ड्रग सप्लाई लाइंस ऑन ग्राउंड फ्रॉम स्काई एंड ऑनलाइन. तो ड्रोन के अकॉर्डिंग ये बातें हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने और जो जम्मू एंड कश्मीर की सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट है उन लोगों को पता चला है कि ड्रोन के अकॉर्डिंग जो है वो पाकिस्तान से ड्रग्स को बॉर्डर के अक्रॉस भेजा जा रहा है, ग्राउंड पे गिराया जा रहा है, वहां से नए नए बच्चे ड्रग्स ले रहे हैं. इतना ज्यादा ये हो गया है ना कि इस चीज को ड्रग पेंडेमिक का नाम दे दिया गया है, यानी कि ड्रग की महामारी. इतना ज्यादा कश्मीर में यह हो गया है. और इसके ऊपर जब हम बात करते हैं तो इसमें बहुत सारी FIR आ गई है. बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे जिन्होंने अपने बच्चों को, बेटों को खो दिया है. बहुत सारे हॉस्पिटल हेल्थ इमरजेंसी बन गई है कि आप हॉस्पिटल में एडमिट करा रहे हैं और वहां पे बेड खाली नहीं है. तो ऐसी चीजें हो रही हैं, उसके हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है? एक तो इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट है ऑफ कोर्स, या फिर ये भी है ना कि कोई भी जब यूथ होता है ना वो किसी भी कंट्री का सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रिसोर्स होता है. अगर हम यूथ को ही खत्म कर देंगे, दिस इज काइंड ऑफ कोल्ड वॉर है ना, कि आप डायरेक्टली कोई हमला नहीं कर रहे हो बट इनडायरेक्टली आप घर में मुठभेड़ करवा रहे हो, प्रॉब्लम क्रिएट्स कर रहे हो, जो कि पाकिस्तान हमेशा से करता ही आया है. खैर वो एक अलग रीजन हो सकता है. सेकेंडली और भी रीजन, अगर एक बार आप उस चीज में चले गए हो तो फिर आप उस चीज को छोड़ नहीं पा रहे हो. अब अगर हम निकालते हैं तो FIR की लगभग 2019 में 1172 FIRs थी और 2022 में 1850 तक ये नंबर जो है वो पहुंच चुका था. और इसी के अकॉर्डिंग अगर हम चलें तो ये कितना, लगभग 60% का जंप लग चुका है 2019 से. इतनी ज्यादा FIR आती हैं ड्रग्स लेने वाले जो बच्चे हैं या जो भी बड़े आदमी हैं, इंसान हैं, औरतें हैं, व्हाटएवर. तो ड्रग ऑफ चॉइस से हम बात करते हैं कि कौन 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 से ड्रग्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, क्या क्या चॉइस ली जा रही है. तो सबसे पहले है कैनबीज. कैनबीज को हिंदी में बोला जाता है गांजा. और ये लगभग 11.6% पीपल जितने भी यूज कर रहे हैं वो खाते हैं, लेते हैं, व्हाटएवर. सेकेंड इज ओपीओडाइज, 85.30% ये इसका इस्तेमाल कर रहे हैं. अल्कोहल इज बहुत कम मात्रा में यूज किया है, 2.1%, मतलब कंपेयर किया जाए तो कैनबीज के साथ में. हीरोइन जो है उसका इस्तेमाल हो रहा है 52.3%. सिगरेट
सिडिक्टिव, सिडिक्टिव्स क्या होते हैं, ऐसी ड्रग्स जो कि फॉर्म ऑफ मेडिसिन से, यानी आप दवाइयों से जिस ड्रग्स का इस्तेमाल करते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल कॉरेक्स का इस्तेमाल होता है या आयोडीन वगैरह, इनका इस्तेमाल होता है क्योंकि इनके अंदर थोड़ा सा अल्कोहल की मात्रा होती है, उसको 0.2% एंड अदर्स जो बचे हुए हैं वो 0.7% जो और ड्रग्स के बचे हुए चीजें हैं उनका इस्तेमाल करते हैं। आज का न्यूज़पेपर हुआ यहीं पे खत्म। पहले जो ये रोबोट टैक्सी थी वो कैलिफोर्निया के अंदर, कैलिफोर्निया जो कि एक स्टेट है यूएसए के अंदर, तो उसके अंदर इसको इंट्रोड्यूस किया गया था और वहां पे इसको एक्चुअली मान्यता दे दी गई है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो फिर सैन फ्रांसिस्को जो है उन्होंने भी पहले रोबोट टैक्सी चलाई, अब उन्होंने एक बस को इंट्रोड्यूस कर दिया है। ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रिक व्हीकल होगा, इसके अंदर कोई ड्राइवर सीट नहीं होगी, इसके अंदर ना ही कोई स्टीयरिंग व्हील होगा, इसका एक फिक्स्ड रूट होगा और उसी रूट पे ये जो भी इसका टाइमिंग होगी उसी अकॉर्डिंग चलेगी, और 7 स्टॉप्स वगैरह, ये दैट इज इरेलीवेंट, बस हमें ये समझ